दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक आइसक्रीम फैक्ट्री में खड़ा हूं जो कि पश्चिम बंगाल में है। और अगर आइसक्रीम का बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर फैक्ट्री सेटअप करने की सोच रहे हैं तो इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, इस बिजनेस में फायदा है या नहीं, या फिर क्या क्या चैलेंजेस है, इन सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, तो अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे फैक्ट्री ओनर के साथ मिलवाने जा रहा हूं जो आपको पूरा बताएंगे कि आइसक्रीम का जो बिजनेस है वो कैसे सेटअप किया जा सकता है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो इस वक्त मेरे साथ सिद्धार्थ शंकर घोष जी हैं जो रेनबो डेयरी फूड प्रोडक्ट्स के मालिक हैं और उनका अपना ब्रांड है मिल्कबेरी। चलिए उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहें तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले ये बताइए कि आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे आइसक्रीम का, कोई यंग एंटरप्रेन्योर, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, किन किन बातों की दरकार है? उनको सबसे पहले जो एक तो मार्केट सर्वे करने होगा और आइसक्रीम के बारे में उसका थोड़ा नो हाउ जानने पड़ेगा, क्योंकि बिना नो हाउ बिना वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे नॉलेज लगते हैं, डेयरी का नॉलेज है, वो मशीनरी का नॉलेज जो है, ये सब मार्केटिंग का है, ये सब नॉलेज उसको रखने पड़ेगा। इसके लिए उसको थोड़ा जानकारी करने होगा। तो उसको क्या कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत है अगर हम कोई आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहें तो? पढ़ाई करने से तो बहुत अच्छा होता है कि डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी होने से उसको अच्छा नोहा उसको पता चला जाएगा जो हम इसके बारे में कैसे आइसक्रीम बनते हैं, कौन कौन चीज़ से आइसक्रीम बनते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए सर कि इस बिज़नेस को करने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट का और जगह का दरकार है? ना ये आपको किस तरह वो कितना प्रोडक्शन करने चाहते हैं तो वो उसी हिसाब से उसको फंड रेज करना होगा। मान लीजिए पर वो 500 लीटर का बनाए कि 1000 लीटर का बनाए, इसी तरह वो हिसाब से उसको करना होगा। 500 लीटर का प्रोडक्शन करने के लिए अभी का जो मार्केट वैल्यू है 2 से 3 करोड़ रुपया उसको इन्वेस्ट करने पड़ेगा। और इसमें ये जो एक बहुत भारी रकम है 2 से 3 करोड़ रुपया, तो इसमें क्या गवर्नमेंट या बैंक्स आपकी हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट लेने में? शुरू में तो हमको किया नहीं कोई, हमको तो लोन ही मिलता नहीं था, हम अपना खुद का पैसा से बनाया। तो अभी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर लोग को MSME से बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसी हिसाब से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बैंक से भी मिलेगा और गवर्नमेंट से भी मिल जाएगा MSME डिपार्टमेंट से। तो कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है MSME डिपार्टमेंट जिसके पास जाना चाहिए? हाँ MSME डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। पहले आपको ठीक करना होगा कि जो ज़मीन लेना होगा, उसका बाद आपको मशीनरी लेना पड़ेगा, उसका बाद आपको बैंक से बात करना होगा, वो MSME का उद्योग आधार जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करके उसका बाद वो प्रोसेस करने से उसको मिल जाते हैं। पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का भी। कितना सर जगह की दरकार है इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, कितना जगह होना चाहिए? मान लीजिए 3000 स्क्वायर फीट तो शुरू में सबसे छोटा होने से भी 3000 से 5000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, 3000 से 5000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए सर। और मार्केट में जैसे अगर आप नया ब्रांड लेकर आ रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे एस्टैब्लिश ब्रांड्स भी होते हैं जिनको कम्पीट करना पड़ता है, नए ब्रांड के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम पुराने ब्रांड से कैसे कम्पीट करें जो बहुत ही फेमस ब्रांड है, तो वैसे कैसे कम्पीट कर सकता है एक नया जो बिजनेसमैन जो आइसक्रीम फैक्ट्री सेट कर रहा है, वो कैसे इनसे कम्पीट कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत मुश्किल भी है कि अभी जो मार्केट में जो चल रहा है बहुत सारे ब्रांड आ गया, इसमें बहुत चैलेंज भी है और उसको सस्टेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हो जाता है। वो क्वालिटी अच्छा देने प्रोडक्शन अच्छा कीजिएगा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम का जो हमारा डिमांड है और सप्लाई में बहुत फर्क है, डिमांड सप्लाई में थोड़ा शॉर्ट है, तो हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या सर जो प्राइस है प्रोडक्ट का, अगर आपको कम्पीट करना है तो आपको क्या उनसे कम रखना पड़ेगा मार्केट में, अपना ब्रांड बनाने के लिए? सब
हर टाइम इस तरह सोचने से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से काम कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। हमारा हिसाब से वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहिए, प्राइस भी उसी हिसाब से रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग तो इस तरह फेस किए हैं, वो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हमारा। और इसमें चैलेंजेस क्या हैं, माल खराब होने का चैलेंज या ऐसा कुछ चैलेंज है जो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसको लेके? हाँ, ये चैलेंज है, इलेक्ट्रिक तो बहुत लगते हैं, हर वक्त 24 आवर्स इलेक्ट्रिक लगते हैं। तो मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो उस लिए ख़राब भी हो जाता है कभी कभी, तो लेकिन वो हमारे पास वो नहीं होता है, स्टैंड बाई सब वो जुगाड़ रहते हैं, तो उसलिए इस तरह फैसिलिटी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है वो जो गाड़ी में जो सप्लाई करते हैं, उस टाइम में कोई गाड़ी रास्ता में ख़राब हो गया तो वो तो रेफ्रिजरेशन वैन है, वो प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लॉस भी हो जाता है कभी कभी। उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे कैसे एक नया एंटरप्रेन्योर अपने लॉसेस को जितना मिनिमाइज कर सके, उसके लिए क्या राय देंगे? लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो अच्छा टेक्नीशियन और प्रिवेंटिव कुछ मेथड फॉलो करे तो अच्छा ही होगा, उसमें लॉस होने का चांस बहुत कम जाता है, लेकिन 100% हो नहीं सकता है, क्योंकि मान लीजिए अभी यहाँ से नैहटी से कलकत्ता जा रहा है गाड़ी, तो गाड़ी खराब हो गया बीच में तो और ऑप्शन नहीं रहता है। एक अगर एंटरप्रेन्योर सर, जैसे आपने कहा 1-2 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, वो लगाए तो कितने दिनों में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है और साल का कितना प्रॉफिट वो कमा सकता है इस बिजनेस को करके? ये शुरू शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 1-2 साल लग जाता है ब्रेक इवन पॉइंट में आने के लिए। 1-2 साल तक आप ब्रेक इवन पॉइंट में आ सकते हैं, और उसके बाद किस हिसाब से आपका प्रॉफिट ग्रो करता है? अभी का जो मार्केट सिचुएशन है उसमें मान लीजिए 5-6% मार्जिन आ जाते हैं। एक मेरा लास्ट सवाल सर, आप जो नए एंटरप्रेन्योर जो आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे, कैसे काम को स्टार्ट किया जा सकता है? शुरू शुरू से वही, जैसे पहले जमीन लिया, उसका बाद जमीन लेने के लिए उस पूरा जगह देखने पड़ेगा, कौन जगह पे ले रहा है, लोकेशन कैसा है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसका बाद प्रोसेस करेंगे। तो सिद्धार्थ जी ने बहुत सारी बातों को बताया जिनको ध्यान में रखकर आप एक आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट है 1-2 करोड़ का, लेकिन इसके बाद ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है, 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन फायदा भी देते हैं। अगर आप सिद्धार्थ जी से, जो कि मिल्कबेरी ब्रांड चलाते हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्री कैसे सेटअप किया जाए और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनका नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी बातों को आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम चाहते थे कि आइसक्रीम का बिजनेस कैसे सेटअप किया जाए इसके बारे में आपको जानकारी दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स की वीडियोस लाता रहूं और आपको अलग अलग बिजनेस के बारे बताता रहूं और आपका बिजनेस ग्रो करता रहूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, दीजिए मुझे धन्यवाद।